तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। So, hey, upcoming BGMI Conquerors, तो लेके आ चुके हैं वापस से BGMI में ट्रिपल कॉन्कर की एक और बहुत प्यारी रैंकिंग गेम प्ले वीडियो, जिसके अंदर आज बहुत कुछ होने वाला है। आज अपन ने दो गेम प्ले को ऐड किया है, मैंने बहुत कम सीन्स कट किए हैं क्योंकि आज के गेम प्ले में बहुत सारी फाइट्स हैं। सबसे पहले तो अपन बढ़ते हैं अपने पहले गेम प्ले की तरफ में, जहाँ पे कि देखो सीन क्या था। अपन ने यार कमेश की उतर के अपनी इनिशियल लूट की थी, अब हम सीधा निकल लिए थे यासनाया रश करने के लिए। हमें पता चलता है यहाँ पे दो डुओस की फाइट आ रही है, आई मीन हो रही है, तो हम आ जाते हैं थर्ड पार्टी करने के लिए। ओपन फाइट चल रही है, ओपन ना, अरे ओपन ऊपर ही यार, कोई इंसान फाइट के अंदर इतना भी क्या बिजी हो सकता है कि उसके कंपाउंड पे बंदे आ चुके और उसे पता भी नहीं। इतनी लापरवाही करोगे तो टेक डाउन हो गई। देखो फाइट्स तो दोनों ही मैचेस में बहुत प्यारी होने वाली है। पहले मैच में हमने हैकर लोबी में चिकन निकाला है और दूसरे मैच की इंटेंसिटी का तो क्या ही कहना। हाँ तो यार जल्दी से एक बार पहले मैच को निपटाते हैं, जहाँ पे कि तुमने देखा अभी एक डू को तो हमने टेक डाउन किया, दूसरे के एक बंदे को नॉक किया, तो अब बारी थी यहाँ पे डायरेक्ट पुश करने की। यहाँ पे थोड़ा सा गलत सीन हो जाता है, मुझे पता था मैं यहाँ पे स्पोर्ट हो सकता हूँ, जब तक खड़ा होता तब तक मैं नोक हो चुका था। अभी के लिए हमारी मोली से डैमेज खाते हुए बाबा की मोली के साथ में ये बंदा टेक डाउन हो जाता है। अब यार यहाँ से बारी थी निकलने की, मूव ऑन करने की, एंड अब देखो क्या होता है। जैसे ही हम यहाँ पे रोजक जा रहे थे, हमें पीछे से कुछ गन शॉट्स आते हैं, ये बंदे टैप करके बुला रहे, वो भी इतनी दूर से। ऐसा मोस्टली केसेस में हैकर के साथ ही होता है। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे आते हैं, देखो यहाँ पे होने क्या वाला है। बाबा बोलता है कि मुझे इस बंदे का स्प्रे थोड़ा सस्पिशियस लग रहा है, लेकिन मेरे अंदर चुल थी और अपनी चुल भी देखो यहाँ पे कैसे खत्म होती है। चल यार अच्छा लगा। ऐसी ऐसी इस मैच में एक नहीं दो से तीन प्रजातियाँ थी, और ऐसी प्रजातियों के बीच में इस मैच को हम लोग एक चिकन में कन्वर्ट करने वाले, जो देख के तुम्हें बहुत सुकून मिलेगा। सबसे पहले तो हम उस फाइट से डिसएंगेज करते हैं, और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस प्यार से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरा कर लो, क्योंकि ऐसी हैकर लॉबीज में चिकन निकालना मजाक की बात नहीं होती है, और हम लोग हैकर को फेल के चिकन निकालते हैं। जिसने कल की वीडियो मिस की है जरा देख लेना कैसे प्योर दो दो हैकर डुओस को 2v2 एक्चुअली 1v2 की फाइट दी है। मेरी किस्मत इतनी खराब, जब पहली बार टैप पे स्विच किया तब भी ऑटो पे ही हो गई, तब भी टैप नहीं हुए, और जब दूसरी बार टैप गए तो यहाँ पे गन रीलोड पे लग गई, वो बंदा बेयरली 1 HP बचा। उधर थोड़ी है कर। हाँ तो वो प्रो प्लेयर यहाँ पे सामने वाले कंपाउंड पे आ चुका था, और यहाँ पे इस प्रो प्लेयर पे भी अभी एक स्लैम आने वाला है। देखो ये गाड़ी वाले बंदे उस प्रो प्लेयर को तो टेक डाउन कर लेते हैं, लेकिन हम अब भी श्योर नहीं हो सकते कि वो हैकर डुओ है या लेजिट डुओ है, क्योंकि अभी के लिए BGMI जो एक महान गेम बनी हुई है, ब्रूटल हैक्स वापस से चालू हो चुके हैं। तो क्यूटीज़ बाबा के ग्रेनेड के साथ में ये बंदा टेक डाउन हो जाता है, असिस्ट तो हमें भी यहाँ पे मिला। अभी के लिए जैसे हम इस कंपाउंड को होल्ड करते हैं, यहाँ पे हम पे आने वाला है एक स्लैम। देखो ये शॉटगन का 1v2 इतना सा भी प्यारा था, तो जरा उस लाइक के बटन को दबा लो। आजकल तुम लोग लाइक बहुत कम कर रहे हो, 500 क्रॉस हो जाने चाहिए।
मैं कहना तो नहीं चाहता मगर आज मेरे फोरेक्स ने बहुत बेइज्जती करवाई है। आज मेरे स्प्रेज ना के बराबर चिपके हैं मगर इसको बदला हम टैप से लेंगे। स्प्रे नहीं लगा तो टैप मारेंगे। वॉच आउट। यहाँ भी यारो अगर तुम लोगों ने ध्यान दिया हो तो ये बंदा एक नोक दे के फिनिश हुआ। हमारा तो फायदा ही करके गया है क्योंकि हमें इससे ये कंफर्म हो गया सामने वाला एक डुओ ही बचा हुआ है। अब इतना जल्दी हम लोग पुश कर नहीं सकते थे कि उसके रैव होने से पहले ही पहुंच जाए। वो बंदा आराम से रैव तो हो जाता है मगर अब बारी थी यहाँ पे एक 2v2 की फाइट लेने की। बाय द वे अगर तुम लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरा कर लो क्योंकि अगला गेम प्ले तुम्हें देखने को मिलेगा एबीएस के साथ का, जिसमें हम लोग एबीएस को बहुत खतरनाक बचाने वाले हैं। बहुत खाया मेरा पीछे निकल को देखो हील कर अगर तुम सोच रहे हो मैं यहाँ पे पैनिक कर चुका हूँ तो तुम गलत हो। मैं इस फाइट को जबरदस्ती इंटेंस बना रहा हूँ क्योंकि कंटेंट भी तो चाहिए। आएगा राइट से आएगा। मॉली भी ले मॉली डालना स्ट्रो एंड इसी के साथ में ये हुआ था एक बहुत प्यारा चिकन। ये अपना आज के दिन का पहला मैच था और पहली शुरुआत ही चिकन के साथ हुई थी। अभी यार अपन बढ़ते हैं अपने दूसरे मैच की तरफ में जहाँ पे कि हम लोग एवीएस के साथ में लोबी को बहुत तोड़ने वाले हैं। ये लोबी सही में बहुत इंटेंस निकलती है हालांकि इतना एक्सपेक्टेड नहीं था। तो यार इस बार हम लोग यसनाए पे लूट करते हैं एंड तुरंत हम लोग निकल लेते हैं एग्रेस करने के लिए। सबसे पहले हम लोग जाते हैं अपार्ट पे जहाँ पे कि एबीएस छोटा सा प्रैंक करता है, गाड़ी स्लो करके बाद में तेज कर लेता है। अब यहाँ पे बारी थी सीधा एग्रेस करने की। दूसरा अंदर है बोला था तुम्हें इस वाले मैच में बहुत खतरनाक एग्रेसिव गेम प्ले देखने को मिलेगा। हम लोग बस घूम घूम के बंदे ढूंढ रहे थे, जहाँ भी बंदे मिल गए हम लोग फाइट लेंगे। अभी के लिए हम लोग आते ड्रॉप पे जहाँ पे कि एक बंदा रेंगते हुए मिलता है और इसके दूसरे बंदे के साथ में देखो क्या होता है। ओह अबे दूसरा तो इधर है। मैक्सिमम फाइट्स में ऐसे ही हो रहा था कि एक किल एबीएस को मिलता था, एक किल मुझे मिलता था एंड यहाँ पे फिर से वही रिपीट होता है। कोई देखा था मैंने पहले तो हैकर भाई हैकर क्या बोलते हैं एवीएस यार यहाँ पे मरने वाले बंदों का रिएक्शन कॉपी करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि हम लोग इस लोबी में बहुत एग्रेसिव हो रखे थे कि जहाँ बंदे दिखेंगे हम लोग तो मारेंगे ही मारेंगे। दूसरा नीड में यहाँ पे लेफ्ट में ही करने वाला था मगर वहां पे मुझे एबीएस का नंबर शो हो रहा था तो मैंने नहीं किया सोच के कि एबीएस कहीं नॉक ना हो जाए और खामे का फिर ये फिनिश होता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पे एबीएस एक और किल उठा जाता है। अब बारी थी और दूसरे बंदों पे एग्रेस करने की। यूजुअली बीच में प्लेयर दुआ करता है कि बंदा ओपोजिशन वाला पहले हमारे टीममेट को मारे मगर हमारे बीच में चलता है कि बंदा काश पहले मुझ पे पुश कर दे ताकि मुझे किल मिल पाए मगर अभी तो एवीएस किल उठा जाता है। मगर यार मैं अपने हिस्से का एक किल अब भी निकाल ही लेता हूँ। अब यहाँ पे आने वाली है इस मैच की सबसे इंटेंस फाइट। मारा
ये शेक वाले बंदूक है। अब यहाँ पे बहुत लंबी फाइट चलने वाली है, बस ये वाली यहाँ से फाइट एंजॉय करो। और जरा गैस करो कि हमारा मैच क्या यही खत्म होने वाला है। किधर है वो? उधर ही है ना। Marked a location. अरे वहां पे नहीं है यार। मैंने क्लियर उस बंदे को टैग मारा, मैं क्लियर मार्क भी दे रहा हूँ, तब भी एबीएस मानने को तैयार नहीं कि बंदा सामने ही है। नो होने के बाद में ये आदमी कितना प्यार से, कितनी इज्जत से बुला रहा है मुझे। ग्रोजी इधर आ, क्या बात है एबीएस। तो बचाना तो बनता है, तो एवीएस को यहाँ पे तो अपन बचा लेते हैं। एंड आगे देखो यहाँ पे कितना फनी सीन होने वाला है। फिलहाल के लिए यहाँ पे अपने सब्सक्राइबर भाई से भी अपन मिलने वाले हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये सही में गलत बात है। इतने प्यारे अपन स्प्रे चिपका रहे हैं तो इसके लिए सब्सक्राइब करना तो बनता है यार। एनग्रोदा भाई, हेलो पे, कैसे हो भाई? बच्चों भर क्या था ना जा, क्या ही मारा भाई। खुद खाने वाला बंदा तारीफ कर रहा है कि भाई क्या चिपकाई है एमके, और तुम लोग बस तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे यार, इतना भेदभाव क्यों करते हो? जरा कर लो सब्सक्राइब। अभी के लिए यहाँ पे देखो कितना गलत सीन होने वाला है। यार फिर से वही सीन, लेटे हुए बंदे पे S12 के हेड पे मारी है, उसके बावजूद भी बंदा नहीं मरा। चलो क्या ही कर सकते हैं। ओके क्यूटीज, तो यही था अपने आज की वीडियो के लिए। आई होप आपने वीडियो को इतना सा भी एंजॉय किया। अगर आपने वीडियो को कितना भी एंजॉय किया तो मेक श्योर आप हमारे इस प्यारे से चैनल का सब्सक्राइब जरूर से करें, आपको सही में बहुत प्यारा कंटेंट देखने को मिलेगा। बाकी तो आई होप आप सभी के घर में सब अच्छे हो, सब अच्छे हो, आप भी अच्छे हो। एंड मिलते हैं आपका एक और बहुत प्यारी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, बाय गाइस, हैव अ रियली गुड डे टुमारो, एंड बाय 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 बाय।